प्रोसेस है चेंज। देखिए जैसे हमारे सर जिनको मैं हमेशा मिलता हूँ, देखिए उन्होंने कितनी अच्छी सफेद दाढ़ी उगा के रखी है, सो एंड सो यंग, इट्स चेंजिंग। आई थिंक इट्स नाइस द फैक्ट दैट यू डोंट हैव टू नाउ बी क्लीन शेवन टू बी टेकन सीरियसली एज अ प्रोफेशनल। आई थिंक इट्स रियली कूल। व्हाट्स द इफेक्ट इट हैज ऑन पीपल अराउंड यू? व्हाट्स द इफेक्ट माय स्टबल हैज? Apparently it's pretty decent there because the women seem to react fine to it. So I think that myth is broken. Yes. That women only like clean-shaven men. I think that myth, I'm alive evidence for that. And I've never heard anybody complain ki chupti hai. So, you heard that? Ji, ma'am. मुझे मेरी खुद की स्टबल कैसे चुप सकती है? नहीं, किसी को मैं किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं दाढ़ी निकाल दो चुपती है, नहीं ये आज तक नहीं हुआ है। कब का? सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। कब कहा? किसने कहा? आपको क्या लगता है, आप बताइए। मैं जी सर जी 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 बिल्कुल, इट्स एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स अबाउट फिलिप्स। अगर आप नोटिस करें तो दे सपोर्ट द फैक्ट दैट योर स्किन शुड ऑल्सो रिमेन स्मूथ। मुझे ये चीज बहुत पसंद आई बिकॉज मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ, स्किन मैटर्स अलॉट। हमारे थोबड़े के टाइट टाइट क्लोजअप लिए जाते हैं, तो यू कांट अफोर्ड टू हैव बैड लुकिंग स्किन आइदर, एंड दिस सपोर्ट्स योर स्किन। इट मेक्स श्योर दैट योर स्किन इज नॉट टर्न्ड हार्ड। कभी कभी शेव करने से दाढ़ी मतलब स्किन बहुत कड़क हो जाती है। दिस इज वन ऑफ द न्यूअर ट्रिमर्स दैट ब्रिंग्स अबाउट सॉफ्टनेस टू द स्किन, इट मेंटेन्स दैट। सो फिलिप्स इज दैट्स व्हाई द राइट चॉइस फॉर मी एटलीस्ट व्हेयर माय ट्रिमर इज कंसर्न। आई थिंक एवरी मैन इज कंसर्न अबाउट द वे ही लुक्स, दे वी जस्ट डोंट लाइक टू शो दैट वी केयर। At least in our generation, we all like to look good. Yeah? You look good, you feel good, there's a certain confidence. I think we are all closet metrosexual men. Aap bhi jab nikalte hain mirror mein to dekh ke jaate honge na, aaj theek lag raha hu. Nahi, acha, aap mirror dekhte nahi hai? Dekh lijiye, aap kaafi good looking hai. No, yeah, I'm, chaliye, let's, all jokes apart, I think hum sab chahte hai ki we maintain hygiene. It's not only about looking good, skin pe cuts hona, या रैश होना, ये सब अच्छी चीजें नहीं है। आई थिंक इट्स अ पुट ऑफ। इवन इफ यू गो फॉर अ बिजनेस मीटिंग एंड यू आर वेल स्टाइल्ड वेल ग्रूम्ड, इट मेक्स अ डिफरेंस। यू लुक कॉन्फिडेंट, यू लुक कंफर्टेबल विद इन योर सेल्फ एज अ पर्सन, एंड ऑल दोज आर इंपॉर्टेंट मैसेजेस दैट यू ट्रांसलेट व्हेन यू डू बोर्ड मीटिंग्स और इवन इफ यू डू एन इंटरव्यू। आप अगर मेरे सामने आके बैठेंगे और आपके स्किन पे रैश है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस में आपको लगेगा नहीं यार, इट्स जस्ट दैट मच। इट डजंट ऑलवेज हैव टू डू विद यू बीइंग अ मेट्रोसेक्सुअल बॉय और बीइंग वेन कि मैं कैसे दिख रहा हूँ। इट्स अबाउट जस्ट मेंटेनिंग a certain hygiene. So clearly we've opened the... Exactly, the Q&A opened before we scheduled it. But it's time we moved to a more interesting part. Okay. Of this event. And which is me trimming your hair. No, oh, not quite. So it's something that actually you may want to talk about, which is something that we are going to colleges for. Yes, the youth, the most important spectrum of our country now. Yes. I think it's pretty evident now that we as a generation believe that we don't need to always be clean-shaven.